कैसी लगी? कोकोकोला। अच्छे से फिर दबा के खींच एक साथ, दांत से मत चबा। इसका पेट भर गया, अब इसको पिला ले। दूध पिता है इस वाले पे, एक इस वाले पे। अब उनका पेट भर गया, सुना दे अब लोरी, सुना दे आके सुनो। हाँ दूध को, दूध को बंद कर, दूध को बंद कर लो। तो गया क्यों नहीं घूमने अभी तक? पता है सब लोग तेरे बारे में पूछ रहे थे, वो चार पांच दिन से उसको देख रहे, तबीयत तो खराब नहीं हो गई? फिर दीपक ने पूछा, सबको फिक्र हो रही थी बीमार बीमार तो नहीं हो गया? मुझे भी लगता है फिक्र तो है लोगों को, देख कुछ पर यही कमाया मैंने। एक चीज बताऊं तुझे, तेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा, हुआ तो तूने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। गजब बेइज्जती है। यही तो कमाया मैंने जिंदगी। ये बंदा चार दिन तक है ना रिव्यू कर रहा टीवी, कौन कौन से टीवी, इसने सबसे पहले कि सोनी ही आएगी घर में, अब 53 इनसे कम देखे नहीं हूँ, 55। बंदे ने फिर प्राइस देखने स्टार्ट किया, यहाँ देखा वहाँ गया, एक लाख से स्टार्ट किया मैंने, 1 लाख तक मोड बना, फिर धीरे धीरे 70,000 आया, यही ले रहे हैं सैमसंग के, फिर लास्ट में जाकर रियल मी की 44,000 की, 43,000। सुबह सुबह बेइज्जती करने के लिए तूने कैमरा उठाया इधर तक? मेरे ढोल सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी वो के फरा। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पता नहीं सेटअप करने वाले कब आएंगे हमसे कंट्रोल लिया, मेरा ऑफिस से आते ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। तो ये है 55 इंच की रियल मी की स्मार्ट टीवी SLED 4K। ये भाभी को पसंद नहीं आई। भाभी पसंद नहीं है क्यों? बड़ी ज्यादा। रेखा ने कहा फोन करके, इतनी बड़ी टीवी ले ली, पूरी दीवार तो टीवी घेर ली। तो चलो इसको हम करते हैं थोड़ा सा सेटअप, अभी तो लेटा लेटू के हमने इस बॉक्स में से बड़ी मुश्किल से निकाली। फिजिकल डैमेज इन लोगों ने देख लेता, मैं स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि स्क्रीन मशीन सही तो है। तो भाई साहब गिनी चुनी चीजें आई हैं इसमें, इन लोगों तो रिमोट भी चेक नहीं किया, वो तो भगवान भरोसे मिल गया मेरे को खोखे में अंदर। दो सेल है एवरीडे के सस्ते वाले, ये है इसका रिमोट एज यूजुअल, बाकी मिले हैं हमको चार नट एक खांचों में, एक खांचों को खचाने के लिए। तो पहले खांचों में खांचे खचा लेते हैं, फिर आपको वो भी करेंगे। ओके अरे भैया चलेगी कहाँ से? तो रिमोट में पहले बैटरी डालनी पड़ेगी, तब चलेगी टीवी। जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। नमो ओय आई 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 जार कर चुकी है मैंने यार। ये देखना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन तो सही है ना, स्क्रीन एकदम सही है, नंबर सही। भैया बहुत पढ़ लो, पढ़ाओ बाद में बताऊंगा। फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद हमने कर लिया है लॉगिन। ओए कबाड़ी रिव्यूअर, एक कागज तो हटा दो सामने से। अब कितना कराओगे भाई, थक गए हैं हम। ये चल गई भैया टीवी। तो बात करें इस टीवी के बारे में ना, तो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी, दो चीज़ें, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, सैमसंग के कंपैरिजन में कर सकते हो, मतलब अगर चाहो तो। एक HD चैनल चला, अच्छा कौन सी मूवी आ रही है ये? हाँ प्यार तो होना ही था। तो इसको बढ़ते हैं बंद आवाज़ को, ठीक है। और तो कोई पिक्चर आ नहीं रही इस पर, तो ऐसी दिखती है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है मतलब। तो ये वाला 4K पे देखते हैं, मोबाइल डाटा से 4K चलेगा नहीं। ओके उसके बाद हम बात करते हैं साउंड की। साउंड बहुत ज्यादा है, मतलब एडिक्यूट से भी ज्यादा है, मतलब फुल पे कभी भी नहीं सुन सकते हम। ये देखो
प्लीज आधा भी नहीं होगा। बहुत है ये, यहाँ पे हम सुनते हैं बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो साउंड बहुत बढ़िया है। बाकी चीज़ों की बात करता हूँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट है ना वो मतलब उसमें लॉगिन करनी पड़ती है, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी कनेक्टिविटी कभी कभी इश्यू होते हैं, मतलब वाईफाई से कनेक्टेड हो जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फर्दर जो ब्राउज़र वगैरह को एक्सेस करना है, जैसे कि मैं बताता हूँ ये अभी जैसे कि नो इंटरनेट दिखा रहा है ना, ये यहाँ के इंटरनेट की प्रॉब्लम है एक्चुअली, यहाँ पे इसमें लॉगिन करना पड़ता है इंटरनेट में तब जाके चलता है, डायरेक्ट वाईफाई का कनेक्शन से ही नहीं चलता, वाईफाई तो कनेक्ट हो जाता है तुरंत ही, यहाँ जाके जाओ और ये फट से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, तो अभी नो इंटरनेट दिखा रहा है इस वजह से ऐसा आ रहा है। लेकिन जब कभी कभी नेट भी आता रहता है मतलब, और जब हमें वो पोर्टल में जाके लॉगिन करना होता है नेट यूज़ करने के लिए, तो ये जो ब्राउज़र दे रखा है ना ये इस तरह से कभी कभी इरिटेट करता है, कभी कभी जब नेट आता है उसमें कभी कभी, मतलब 100 में से हार्डली 4-5 बार, और कुछ इश्यूज इस तरह से कभी कभी लगते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ डार्क दिखता है और इधर साइड में डार्क दिखता है, बीच में थोड़ा ज़्यादा वाइट दिखता है ये, लेकिन ऐसी प्लेन स्क्रीन पर ही होता है, नॉर्मल स्क्रीन पर नहीं होता, तो ये मुझे पता नहीं है कि ये इसकी प्रॉब्लम है या फिर सब में ही ऐसे आता है, आई डोंट नो। बाकी ऐसे प्लेन जब फुल कलर आता है तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, कोने वोने सब किधर से भी, इधर से थोड़ी लाइट ज़्यादा है, खिड़की है तो इस वजह से थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, इधर थोड़ा डार्क दिख रहा है, बाकी मुझे यहाँ पे सब सेम दिख रहा है। और एक जो प्रॉब्लम हमें शुरुआत में आई थी कि जैसे इसके प्ले स्टोर में जाता है ना तो दो लाइनें दिखती है इसमें, वो पता नहीं अब दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, हाँ दिख रही है, लेकिन ये लाइनें इस प्ले स्टोर में जाने के बाद ही दिखाई देती है और कैमरे में तो दिखाई भी नहीं दे रही है, तो ऐसे लाइनें हैं दो और इक्वल डिस्टेंस की जैसे डिज़ाइन होती है ना वैसी लाइनें, ये थोड़ी मोटी है ये थोड़ी हल्की पतली है, तो ये ऐसे लाइनें हैं दो, लेकिन ये इस गूगल प्ले के ऐप में जाके ही देखने में मिलती, बाकी किसी भी ऐप में दिखाई नहीं देती, तो मैंने सोचा इसका कंप्लेंट करने का भी कोई मतलब नहीं है, हो सकता है इस गूगल प्ले के ऐप में डिज़ाइन में ऐसी कुछ लाइन हो, अगर आप लोगों ने भी लिया है तो आप चेक करके प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर ये टीवी ली है, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं कंप्लेंट करूँगा इसकी। आया कबूतर तो पंखा बंद कर दिया, मेरा पसीना पसीना हो गया मैं चार बात कहने में, तो कुल मिला के एक ही बात है कि बजट में 43-44 हज़ार रुपये में परफेक्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत मज़ा आता है, और बड़ी का हिसाब जारी बड़ी खड़ी हो जा, आप आइडिया लगा लो कितनी बड़ी है, तो ये इतनी इसकी हाइट है और इससे दिखेगी, और ऐसे कर तो पता आइडिया लगेगा लोगों को भी 55 इंच कितनी बड़ी है, तो ये पूरी इसने, तो मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है कि आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, SLED 4K Realme की टीवी है, अभी तक मैं एक महीने का यूज करने के बाद सेटिस्फाइड हूँ पूरा। अगर बजट 50,000 का है तो ठीक है, तो कुल मिला के पुष्पा के अकॉर्डिंग ये मिडिल क्लास की सोनी टीवी क्योंकि इसको सोनी टीवी लेनी थी, 95 पे गया इस रूम में, फिर वहाँ से डिग्रेड होता गया कि 90, फिर 85 सैमसंग पे आया, फिर कौन कौन सी पाया, सैमसंग एक 70,000 की पसंद आई, 70,000 69,000 की, फिर हमें छोड़ रहा है उसने बताया, सबसे बड़ी बात हाँ मुझे ये टीवी खरीदने में मजबूर क्यों किया, ठीक है 95,000 भी एक बार छाती पे वजन रख के कर देते खर्च, मन का लाइफ कितनी है इसकी कि लाइफ सर एवरेज अगर आप 8 घंटा यूज़ करोगे तो 5 से 6 साल चलेगी, एक तो ये उम्र इसकी टीवी की, दूसरा बजट, और तीसरी बात एक इसका भाई है मेरा साला मतलब अमन, उसने कहा कि घर में जो चीज़ लग जाती है ना एक बार स्पेशली टीवी जैसी चीज़ तो वही अच्छी लगती है, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन का कुछ नहीं होता घर में उससे, किसी से कंपेयर करने का, शोरूम में तो 17 चीज़ें होती है तो बुरी लगती है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में खटक गई और मस्त चल रही है, बस अच्छी लगनी चाहिए, ज़्यादा बुरी कलर ना हो बस।